किसी ने सही कहा है, मेहनत जरूर रंग लाती है। एसएस राजामौली और उसकी कास्ट एंड क्रू ने बाहुबली को 4 साल दिए हैं। इस फिल्म के लीड एक्टर प्रभास को डायरेक्टर ने किसी और फिल्म साइन करने से मना कर दिया था। डेडिकेटेड एक्टर प्रभास अपने काम को लेकर इतने सीरियस थे कि उन्होंने पैसे तक नहीं लिए। हाल ही में एनटीवी तेलुगु से बातचीत के दौरान एसएस राजामौली ने बताया कि शूटिंग के दौरान प्रभास के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने बताया कि प्रभास के पास सेट और फिल्म के खूब ऑफर थे, पर इनका पूरा फोकस बाहुबली पर था। राजामौली ने यह भी बताया कि एक समय ऐसा भी आया था कि प्रभास पैसे न होने की वजह से परेशान था। प्रोड्यूसर खूब पैसे देने को राजी थे, पर प्रभास ने सिर्फ बाहुबली पर फोकस रखा। राजामौली ने कहा कि उन्हें 10 करोड़ रुपए की एक एड का ऑफर भी था, पर उसने उसे भी स्वीकार नहीं किया। किसी ने यह कतई नहीं सोचा था कि फिल्म सफलता के नए रिकॉर्ड कायम करेगी। फिल्म की डिमांड के कारण 4 वर्षों तक प्रभास अपने परिवार और दोस्तों को समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए अब जब उन्हें फुर्सत के लम्हे मिल ही गए हैं, तो उसे प्रभास पूरी तरह से अपने परिवार और दोस्तों को समर्पित करना चाहते हैं। प्रभास इन दोनों अपने परिवार के साथ घर में समय बिता रहे हैं, जहां उनके रिश्तेदारों और प्रशंसकों का उनसे मिलने के लिए तांता सा लगा हुआ है। इन सब के बीच प्रभास की ख्वाहिश अब दर्शकों के साथ फिल्म देखने की है, ताकि वो दर्शकों की प्रतिक्रिया से रूबरू हो सके और उनके प्यार का लुत्फ उठा सके। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर।